अब मान लिया कांग्रेसी लोग वोट नहीं देगा तो भी जीतेगा, लेकिन कांग्रेसियों का मुंह तो काला हो ही रहा है, इसमें कहाँ दिक्कत है भाई। चलिए अगर आप आपका मूल सादा तो है, मुझे इसी में कुछ नहीं वोट के मामले में। हमारे साथ हैं सीपी सिंह, और वोट डालने के बाद क्या कहना है उनका? सर आपने वोट डाल दिया है और क्या कहेंगे आप, कितने आश्वस्त हैं? हालांकि लगभग तय है, ये तो महज औपचारिकता है। देखिए वोट लोकतंत्र में आवश्यक है, और लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति अपनी पार्टी को वोट देता है। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक विधायक होने के नाते आदरणीय द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया हूँ, और आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी अगली राष्ट्रपति होंगी 21 तारीख को। पूरे भारत के प्रत्येक प्रखंड में जश्न मनेंगे, जुलूस निकलेंगे, पटाखे छूटेंगे, मिठाइयाँ बटेंगी, द्रौपदी मुर्मू के लिए बटेंगे, और कांग्रेसियों का मुंह काला होगा। कांग्रेस की बात आपने की है, क्या मानते हैं कि कांग्रेस के भी कुछ विधायक मुर्मू जी के पक्ष में मतदान करेंगे? क्या किया है उन्होंने? अब मान लिया कांग्रेसी लोग वोट नहीं देगा तो भी जीतेगा, लेकिन कांग्रेसियों का मुंह तो काला हो ही रहा है, इसमें कहाँ दिक्कत है भाई। चलिए अगर आप आपका मूल सादा तो है, मुझे इसी में कुछ नहीं वोट के मामले में बोला ऐसे आप तो बहुत। तो क्या वाकई लगता है कि वोट मिला है कांग्रेस का? क्योंकि मीटिंग में भी कई लोग नहीं आ पाए थे और ये बातें अटकलें लगाई जा रही हैं। कई लोगों ने ये भी कहा कि दुविधा में है। मैं अटकलों पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, अब ऐसे तो रिजल्ट ही बताएगा कि वोट मिला कि नहीं मिला, और मैं कोई अटकलबाजी पर भी जाता नहीं। और यदि कांग्रेसी वोट नहीं भी देंगे तो भी मैं दावे के साथ कहता हूँ 21 तारीख को कांग्रेसियों का मुंह काला होना है सुनिश्चित। सर एक आखिरी सवाल है कि लगभग तय है द्रौपदी मुर्मू की जीत, तो क्या सर्वमान्य नेता होना चाहिए था, सर्वसम्मति से चुना जाता तो एक आदर्श स्थापित होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखिए विपक्ष के लोग हमेशा इसी तरह का व्यवहार करते हैं, जब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवार की ही जीत होगी, लेकिन उन्हें मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में एकजुटता दिखाने के लिए वो अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं। भाई यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का पालन करते हैं, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही मैं जानता हूँ कि 21 जुलाई को कांग्रेस सहित सभी विपक्षियों का मुंह पर कालिख पुतने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सीपी सिंह जी, और जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के वोट देने या नहीं देने से कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता, और जब रिजल्ट आएगा उस दिन विपक्ष का मुंह काला होगा। सहयोगी पूजा के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार रांची। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।